जूतों से पाँव में चंडियां पड़ जाती हैं, इसी तरह तंग सोचों से इंसानी जहन में चंडियां पड़ जाती हैं और ये सारी ज़िंदगी उसको तंग करती हैं, जिस तरह के आपका जूता आपको तंग करता है। सो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी को फ़रोग दीजिए और अपने ऊपर कभी भी नेगेटिव ख्यालात को हावी मत होने दें। अगर आप हमेशा ये कहते रहेंगे कि आधा गिलास खाली है, तो समझ लें कि आप हमेशा नेगेटिविटी को प्रमोट करने वाले हैं या नेगेटिविटी को अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी पे हावी करने वाले हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। ज़िंदगी में पॉजिटिव रवैया आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा और नेगेटिव रवैया ना सिर्फ आपको नाकामी की तरफ लेके जाएगा, बल्कि आपका अपना आप भी कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड ना सिर्फ लोगों पे, एनवायरनमेंट पे, माहौल पे असरअंदाज होता है, बल्कि आपके अपनी ज़ात की, आपकी शख्सियत जो है वो उसमें भी बिगाड़ पैदा होता है। और ये ऐसा बिगाड़ जो कि ज़िंदगी में आपको कामयाबी से रोकता है। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी खूबसूरत गुजारना चाहते हैं, तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी तलाश कीजिए। अब यकीन जानिए, आपकी ना सिर्फ हेल्थ बेहतरीन होगी, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपने तमाम कामों में कामयाब व कामरानी हासिल करेंगे। यही मेरा इस चैनल का, इस आइडिया का मकसद है कि हमेशा पॉजिटिविटी को प्रमोट कीजिए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, आपका जहन सुकून में है और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। सो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखिए और नेगेटिव लोगों से बचिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिविटी को, अपने ख्यालात को पॉजिटिव करेंगे, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी और आप कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएंगे। इट्स योर चॉइस नाउ।